विटामिन B12 हमारी बॉडी के लेवल पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी आ जाए तो हमारी बॉडी के लेवल पर कई तरह की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी आ चुकी है तो उसे किस तरह के लक्षण यानी कि किस तरह के सिम्टम्स देखने मिलते हैं और नॉर्मल लेवल क्या होता है विटामिन B12 का हमारी बॉडी के लिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से फूड आइटम्स को हमें खाना चाहिए जिससे कि विटामिन B12 की कमी को हम पूरा कर सकें। और ये जो फूड आइटम्स हम जानेंगे ये सारे वेजिटेरियन सोर्सेज होंगे यानी कि शाकाहारी भोजन होंगे जिनसे कि हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो इस बारे में जानते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 का रोल क्या होता है। हमारी बॉडी के लेवल पर विटामिन B12 के कई तरह के फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसके जो सबसे प्रमुख फंक्शन है वो है रेड ब्लड का सिंथेसिस करना यानी कि हमारी बॉडी में RBCs जो होती हैं उनको बनाने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा इसका रोल होता है DNA का फॉर्मेशन करने में, DNA का सिंथेसिस करने में, जो कि हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है उसे बनाने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से फंक्शन करने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम सही से काम करें उसमें विटामिन B12 का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि विटामिन B12 हमारी बॉडी के लेवल पर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी आ जाए तो उसे कई तरह के लक्षण देखने मिल सकते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ज़्यादा बेजान सी महसूस करेगी, यानी कि अंदर से आपको वीकनेस फील होगी, आपका सर एक तरह से चकराता हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे कभी कभार आपको चक्कर आ गए, सर में अलग तरह से सेंसेशंस हो रही हैं, और कई बार ज़्यादा विटामिन B12 की कमी की वजह से आपकी बॉडी में आपको पिंस या निडल्स चुभती हुई भी आपको महसूस होंगी, जैसे कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभा दी हो, इस तरह की सेंसेशन आपको फील होगी, आपके मुँह में छाले हो सकते हैं और आपको एक तरह से ब्लर्ड विजन की समस्या हो सकती है, जैसे कि आप चलते चलते एकदम से ब्लाइंड स्पॉट आ गया आपके सामने, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इस तरह की समस्याएं देखने मिल सकती हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। अब जानते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है विटामिन B12 की आपकी बॉडी के लेवल पर। एक नॉर्मल इंसान की अगर बात करूं तो 200 पिकोग्राम से लेकर 950 पिकोग्राम पर ml के बीच में अगर आपका विटामिन B12 है तो वो अच्छी रेंज है, यानी कि 200 पिकोग्राम से लेकर 950 पिकोग्राम पर ml, अगर इतना इसके बीच में आपका विटामिन B12 आ रहा है तो आपकी रेंज में है और वो सही है। लेकिन अगर आपका विटामिन B12 150 पिकोग्राम पर ml से नीचे चला जाता है या 150 भी आता है तो वो एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको दर्शाता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी आ चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, वीकनेस होना, अगर इस तरह के आपको लगते हैं तो आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं विटामिन B12 के लिए, और जो रेंज आती है उसमें, उस रेंज में अगर आपका आ रहा है विटामिन B12 तो ठीक है, लेकिन अगर कम आ रहा है तो फिर आपको जो मैं सप्लीमेंट्स अब बताने वाला हूँ, जो फूड आइटम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको लेने चाहिए जिससे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं उन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज के बारे में जिन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं तो आपको विटामिन B12 की कमी कभी नहीं आएगी, और अगर कमी आ भी चुकी है तो इससे कमी दूर हो जाएगी। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं वेजिटेरियन फूड सोर्सेज के बारे में बात करूँगा, नॉन वेज के बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की आती है वो वेजिटेरियन लोगों के साथ आती है, क्योंकि जो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज होते हैं उनमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी कम होती है। जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं उनको तो नॉन वेज से बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है और उनको ये डेफिशिएंसी नहीं आती, लेकिन जो मोस्टली केसेस होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के वो वेजिटेरियंस होते हैं, तो उनके लिए ही स्पेसिफिक आज का ये वीडियो है। तो आज मैं आपको जो ये फूड आइटम्स बता रहा हूँ उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और उन्हें रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम कीजिएगा। सबसे पहली कैटेगरी का जो फूड आइटम है वो है
मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि जो दूध के उत्पाद हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, ये जो दूध के उत्पाद हैं इनमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे कम से कम दिन में एक गिलास दूध या तो आप पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपको अगर आप एक गिलास भी दूध पीते हैं दिन भर में, तो आपकी बॉडी में जितना विटामिन B12 चाहिए उसका 50% आपको सिर्फ एक गिलास दूध पीने से विटामिन B12 आपकी बॉडी को मिल जाएगा। तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो नहीं आएगी, और दो गिलास पी लेते हैं तो पूरी तरह से आपकी जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब आपको विटामिन B12 की फिर और आवश्यकता नहीं है, जितनी आपकी नीड है उतना दो गिलास दूध में आपको मिल जाएगा। दूध नहीं पीना चाहते तो आप ले सकते हैं दही, और दही में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। और दही का एक और एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी गट की हेल्थ को, यानी कि हमारे पेट की जो हेल्थ है उसको अच्छा रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करते हैं। तो ये जो दही है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कुल मिला के बात है कि दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर रेगुलर बेसिस पर लेने चाहिए, क्योंकि अगर वेजिटेरियन आप हैं तो उनके लिए तो सबसे स्पेसिफिक जो सोर्स है फूड का वो यही है कि आपको दूध के सोर्सेज रेगुलर बेसिस पर लेना चाहिए। दूसरी कैटेगरी के फूड आइटम हैं फर्मेंटेड फूड आइटम्स, यानी कि जैसे कि इडली, खमन, ढोकला, ये जो चीज़ें हैं ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाई जाती हैं, जिससे कि इनके अंदर विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि जब फर्मेंटेशन इसका प्रोसेस को करते हैं तो उस दौरान विटामिन B12 बनता है। और इन फूड आइटम्स को जब आप खाते हैं जैसे कि इडली, खमन, ढोकला, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की काफ़ी अच्छी मात्रा आपको प्राप्त होती है। तो फर्मेंटेड फूड आइटम्स आप ज़रूर खाएं। तीसरे जो फूड आइटम है वो है स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित आहार, अंकुरित अनाज, और स्पेसिफिकली जो मूंग के स्प्राउट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि जब मूंग के स्प्राउट्स हम बनाते हैं तो उसमें जड़ें निकल जाती हैं, और जब जो बीज है वो अंकुरित होता है तो उस दौरान उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, और जो विटामिन B12 है स्प्राउट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो दिन में कम से कम एक बार आप स्प्राउट्स ज़रूर खाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और विटामिन B12 भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इनमें होता है। अगला फूड आइटम है ड्रमस्टिक्स, जिसे सहेजने की फली या सुरीजना की फली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर विटामिन B12 की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, और ये जो फलियां होती हैं ये भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ड्रमस्टिक यानी कि जो ये सहेजने की फली और इसकी पत्ते, इनकी सब्ज़ी बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर जो ड्रमस्टिक के पत्ते हैं उसे आटे में गूंद करके आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जो पत्तियों का पाउडर है उसे पानी के साथ घोलकर आप पी सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप यूज करते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को खत्म करने में यह बहुत ज्यादा असरदार होता है। अगली कैटेगरी का फूड आइटम है सोया मिल्क फोर्टिफाइड विद विटामिन B12, यानी कि सोयाबीन का जो दूध आता है वो, जैसे कि हम ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं जो इतनी इतनी बॉटल्स होती हैं फ्लेवर वाले मिल्क की, वो एक तरह का सोया मिल्क ही होता है। उसके अंदर फोर्टिफाइड विटामिन B12 होता है, फोर्टिफाइड इसका मतलब होता है एडिशनली डाला गया विटामिन B12। तो उस तरह की जो दूध के पैकेट्स होते हैं जो फोर्टिफाइड विटामिन B12 के होते हैं, तो उन्हें आप ले सकते हैं, जिससे विटामिन B12 की कमी आपकी दूर होती है। इसके अलावा भी और भी कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर, आंवला, पालक, छोले, मूंगफली, आमंड्स यानी कि जो बादाम होते हैं, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें भी कुछ अमाउंट में विटामिन B12 होता है, इन्हें भी आप खा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो एनिमल फूड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो जानवरों से आए हुए फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें अधिकतर मात्रा में विटामिन B12 होता है, लेकिन जो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज हैं जो इनके अलावा होते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में विटामिन B12 होता है। इस वजह से जो फूड आइटम्स मैंने आपको बताए उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, स्पेशली जो दूध है और जो दही है, जो छाछ है, इनको तो रेगुलर बेसिस पे खाएं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो विटामिन B12 की कमी आपको कभी नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जो मिल्क है वो भी एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट है और एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है।
और अगर वेजिटेरियन में बात करूँ एक सप्लीमेंट की, तो वो है वीट ग्रास पाउडर, यानी कि जो हम गेहूँ उगाते हैं उसके बाद थोड़ा सा जब गेहूँ बड़ा होता है तो उसकी एक घास टाइप की उग जाती है, उस घास को काट करके उसको सुखाया जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है। उसमें विटामिन B12 की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, तो विटामिन B12 के लिए आप वीट ग्रास का पाउडर भी रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। वीट ग्रास का पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या पतंजलि शॉप पे मिल जाएगा इजीली, जहाँ से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो विटामिन B12 की कमी आपकी बॉडी से दूर हो जाएगी। और अगर आपको ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, जैसे कि कमजोरी लगना, थकान लग रहा, ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि आपको विटामिन B12 की आपकी जो कंडीशन है उसके बारे में पता लग सके। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी विटामिन B12 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।